दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। कानपुर में परेड चौराहे के पास आज जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने निकले तो दबंगों ने किया मुस्लिम पक्ष पर हमला। देखते ही देखते मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस ने इन लोगों का रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल यहां बाजार बंद करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, इसलिए यतीम खाना चौराहे के पास पथराव किया गया। ये बाजार बंद नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में किया गया, लेकिन इसके बाद दोनों गुटों में आपस में झड़प हो गई। देखते ही देखते पत्थरबाजी और लोगों का ये भी कहना था कि कई राउंड फायरिंग भी की गई है, जिसमें कई लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों कानपुर में इस घटना को लेकर कानपुर नगर की जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि पथराव हुआ है और इसको स्थिति को संभाल रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर्स प्रशांत कुमार के अनुसार मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। स्थिति नियंत्रण कर बवाल करने वालों की धरपकड़ की जाएगी। दोस्तों देखिए सच की रफ्तार के यूपी ब्यूरो हेड रेहान खान की एक खास रिपोर्ट। स्थिति कंट्रोल में है, अभी स्थिति कंट्रोल नीचे में करो, है। नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत जरूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड री एनफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, उसके उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। कुछ लोग नए लड़के अचानक 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी, मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान समय अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है।